अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे FPSC की जॉब्स के बारे में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, आपको इस वीडियो मुकम्मल डिटेल से बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। IDs के लिंक आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पर, आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर सर्च करना है जॉब बाजार 22, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस पहले लिंक को जहाँ पर 22 लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब्स एडमिशन, प्राइवेट जॉब स्कॉलरशिप्स और इंटरनेशनल जॉब्स के अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो आप इस ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लें या आप सेट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके पास को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है FPSC जॉब्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी है। आप यहाँ से ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं और चलान फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऐड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये काफ़ी लार्ज ऐड है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे इसकी डिटेल शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आपने सिंपली यहाँ से ऐड को डाउनलोड कर लेना है, आपके सामने ऐड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी है। FPSC का ये ऐड है, इसमें सबसे पहले नंबर पे जो पोस्ट है ये असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट है ग्रेड 16 पे, और इस पर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे यहाँ पे ये वाली वीडियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़े से नीचे आना है और यहाँ पर ये भी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं नैब में, इस पर भी हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे अकाउंटेंट की सीटें हैं ग्रेड 16 पे, इस पे मास्टर और ग्रेजुएशन डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो डिपार्टमेंट है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जॉब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट है और इसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ये जॉब्स हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब्स हैं, यहाँ पर मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन में। इसके अलावा यहाँ पे स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स की जॉब्स हैं FBR में। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसलेटर की जॉब्स हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में। इसके अलावा जुडिशियल मेंबर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में नैब में। ये सीटें हैं, इस पर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, 55 सीट हैं। आप हमारे चैनल पे वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट की सीटें हैं ग्रेड 16 पे, और इसमें BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं और नैब में ये सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सिविल, और डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, और यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। और इसके अलावा यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, और ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और यहाँ पे लाइब्रेरियन की सीटें हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये सीटें हैं फीमेल्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पे लेडी वेलफेयर ऑफिसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया जो है ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे कुछ और TORs हैं, ये आपने यहाँ से रीड कर लेने हैं यहाँ से। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है आपने, वो आपने यहाँ पर आ जाना है बैक, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है। वो कैसे करवानी है आपने, यहाँ पे ऐड को डाउनलोड करना, सॉरी चलान को यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है। वो कैसे करना है आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो चलान फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने उसका प्रिंट निकाल लेना है, तो इस तरह इस चलान फॉर्म का आपने प्रिंट निकालना है। और ग्रेड 14, 16 और 17 के लिए 300 रुपये फ़ीस है, उसके आगे जो फ़ीस है वो बढ़ती जाएगी। तो ये आपने नेशनल बैंक में फ़ीस जमा करवानी है। उसके बाद आपने फिर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो कैसे करना है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। आपने यहाँ पे सबसे पहले उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपने यहाँ से इसका क्राइटेरिया रीड कर लेना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब यहाँ पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपने यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे फीस जो क्राइटेरिया है आपने यहाँ से रीड करना है। ग्रेड 14, 16 और 17 के लिए 300 रुपये, ग्रेड 18 के लिए 750, और उसके आगे जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपने सारा फिल करना है, प्रोसीड टू स्टेप टू करते जाना है और अप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल कर देना है। तो इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।